If you love your country, you will press the bell icon right now. Press it. Abbe daba de. Hey, what's up, YouTubers? How's going on there? Welcome back to my channel. और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुकिंग वीडियोस के लिए वॉइस ओवर कैसे की जाए। तो देखिए, बात ऐसी है कि हर किसी के पास महंगे महंगे लैपटॉप नहीं होते, महंगे महंगे माइक नहीं होते, मतलब सेटअप का बड़ा जो है आजकल तंगी चल रही है, धनराशि भी नहीं है लोगों के पास ड्यू टू पैनडेमिक। कितनी अच्छी भाषा यूज़ करता हूँ मैं, हिंदी प्लस इंग्लिश। छोड़िए इस सब बातों को। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास मेरी तरह ये छोटा सा मोबाइल है, जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग A6 प्लस, इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहले ही मैं बता दूँ सैमसंग वालों, अगर इसकी प्रमोशन में सेल बढ़े तो पैसा मेरे को चाहिए। देखिए, ध्यान रखने वाली कुछ बातें। सबसे पहले तो ये दिन का टाइम है, सुबह हो रही है 6:30, यहाँ पे 29 हो रहे हैं, मैं आपको 30 ही बता रहा हूँ, एक मिनट आगे चलता हूँ मैं। इस टाइम पे शोर कम है। अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मोबाइल को ऐसे रूम में ले जाइए जहाँ पे शोर कम हो या शोर कम हो जाता हो, समझे आप। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक जगह ट्रैफिक में खड़ा हूँ और वहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, पीछे गाड़ियों की पी पी पे पे तो आएगी। और वही चीज़ अगर मैं घर चला जाऊँ, अपने मोबाइल को ओपन करूं, एक ऐसा एरिया ढूंढूं जहां पे नॉइज़ कम है, जहां पे पंखा नहीं चल रहा, खिड़की खुली है, कोई बात नहीं, वहां से हल्की हल्की हवा आ रही है, कोई बात नहीं, बाहर कोई सब्ज़ी वाला तो नहीं खड़ा, टेम्पो तो नहीं जा रहा, ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। अगर वो चीज़ बीच में आ जाती है कोई बात नहीं, एक दो बार हुई कोई बात नहीं, बट अगर बार बार आ रही है तो वहाँ पर काम रोक दीजिएगा, कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और नॉइज़ बहुत ज़्यादा उठाता है मोबाइल, तो ये यहाँ पर हो ना, अभी यहाँ से 20-25 मीटर दूर अगर कोई पत्थर भी गिरा ना, ये उसके बाद उठा लेगा, ये मोबाइल का ये तंगी होता है, क्योंकि ये बूस्टेड होते हैं ना, चक्कर ये। और अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, अब मैं सीधा जाता हूँ अपने मोबाइल पे काइन मास्टर पे, और वहाँ पे मैं आपको जो मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है उसे मैं इसमें एडिट, हल्की सी कटिंग मतलब जो होती है, और उसके बाद उसको वॉइस ओवर कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये काइन मास्टर खुला हुआ है, यहाँ पर अब जो है मैं मीडिया इम्पोर्ट कर देता हूँ। अब देख रहे हैं पीछे स्कूटी चल रही है, अब लोगों की आवाज़ें जो है शुरू हो गई है, पीछे मंदिर में घंटी बज रही है, लोग छत पर पानी गिरा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मीडिया जो है इनपुट हो गया। ये मैंने वैसे गिलास में पानी डालने की वीडियो बनाई थी आपको सिर्फ बताने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, हमने तो पहले अपनी वीडियो जो है उसे म्यूट करना है। ये देखिए, यहाँ से वॉल्यूम, यहाँ से ओके, ये सारी वीडियोज़ को हमें जो है म्यूट कर देना है। या देख लीजिए प्लेबैक, जैसे मैंने गिलास रखा, फिर मैंने गिलास में पानी डाला, और ये मैंने चम्मच से उस पानी को हिलाया, और ये पानी गायब। अब इस वीडियो में मैंने आपको जैसे जैसे दिखाया कि पहले मैंने एक गिलास लिया है, उसके बाद मैंने उस गिलास में पानी डाला है, फिर मैंने चम्मच से उसको हिलाया, तो अब इसे चाहे तो आप अपने हिसाब से क्रिएटिव में लिख लीजिए, जो आपने बोलना है वो लिख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप बोल जो रहे हो उसको आप भूल नहीं पाओगे, जैसे मैं अभी हम्बल कर रहा हूँ जो भी ये शब्द है, वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम इसे वॉइस ओवर करना शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे बना वॉइस, इसका कैमरे का मैनुअल फोकस बड़ा बेकार है। ये देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं टच रिस्पॉन्स। ये माइक बहुत ज़्यादा वॉइस को उठा रहा है, और मेरी जो माउथ से इसकी दूरी है वो भी कम से कम 20 इंच की है, बट फिर भी ये नॉइस भी उठा रहा होगा, मेरी वॉइस भी उठा रहा होगा। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ वो देखिएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से कर देंगे इसको स्टार्ट। पहले एक ग्लास लें, उसके बाद उसमें पानी डालें, पानी को चम्मच से हिलाएं, और आप देखेंगे कि पानी हिलाने के बाद गायब हो गया। सी, इसने यहाँ पे जो है हर चीज़ को रिकॉर्ड किया है,
ये नीचे मेरी वॉइस, ये छोटी सी आपको ब्लू लाइन दिख रही होगी, रुकिए मैं इसको जो है मैनुअल क्या करके, वेट, हाँ ये यहाँ पे, ये देखिए ये भी फोकस में नहीं है, हाँ ये छोटी छोटी लाइनें बनी हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे जी अपने ये ऑडियो कंप्रेसर ऑन कर देंगे, ओके ठीक है। ओके जूम कम करने दीजिए मुझे, जूम हो गया कम, फोटो आ गई यहाँ पे। अब जब उसे मैं प्ले करूँगा तो सुनिए, उसके बाद उसमें पानी डालें, पानी को चम्मच से हिलाएं, और आप देखेंगे कि पानी हिलाने के बाद, अरे ये सेटिंग ऑन थी, रुकिए ये ऑडियो फेड आउट जो ऑप्शन है ये आपने बंद कर देनी है, फेड इन भी बंद रखनी है, ऑटो वॉल्यूम मास्टर ओके रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट मेरा बंद हो गया था, रुकिए दोबारा खोल लेता हूँ मैं। आपने इस तरह से वॉइस ओवर कर लिया, पर ये वॉइस ओवर को करना कब है, जब आप ये जितनी कटिंग्स आपने की है ना आपकी फाइनल हो जाए, ये ना बीच में आपको दो तीन शॉट अपने डिलीट करने हो तो उसके बाद ये अब हो मैं क्या करूँ, उसका एक तरीका है आप अपनी ऑडियो को जहाँ से आपको लगे कि यार ये हिस्सा मुझे नहीं चाहिए वहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे अभी मेरे फेस के हिसाब से, रुकिए मुझे आपको वहाँ आना पड़ेगा, रुकिए जूम करता हूँ मैं, जूम हो गया, फोकस नहीं हो रहा है, बड़ा चक्कर पड़ता है कैमरे का, आ जा नहीं यहाँ पे, हाँ ये इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे कोई हिस्सा जो है अगर कट करना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक किया, ट्रिम आपने बस ही लिख देना स्प्लिट एड यहाँ से, अब मुझे यहाँ से इतना हिस्सा नहीं चाहिए, फिर यहाँ पे स्प्लिट, ये बीच वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे साइड में ऑप्शन है डिलीट, ये देखिए सुनिएगा, पहले एक ग्लास लें, उसके बाद उसमें पानी डालें, आपने देख लिया। अगर मुझे यार ये आगे करना है थोड़ा सा, इस पर होल्ड रखेंगे ऑडियो पे तो ये आगे पीछे हो सकता है, बहुत ही आसान तरीका है। और अगर आपको लगता है कि यार ये गलत है तो इस पर क्लिक किया डिलीट कर दीजिए, और आप फिर से वॉइस में जाके अपनी जो वॉइस ओवर की शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ इसमें काइन मास्टर में इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मेरा फेवरेट है प्रिंट वाला है, पर ये कलरफुल होना चाहिए, ये सही है बेस्ट। पर याद रखें जब आप कोई इफ़ेक्ट लगाएंगे तो आपकी ऑडियो आगे पीछे हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बोलना चाहूँगा अगर आप अपनी वीडियोस में इस तरह के ट्रांजिशन यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी वीडियो कटिंग कर लो, उसमें ट्रांजिशन ऐड कर लो, आपको लगे कि हाँ जी फाइनल है, फिर उसके बाद वॉइस ओवर करना शुरू कीजिएगा। अब आप सुन रहे होंगे कितना सारा शोर आना शुरू हो गया, यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि यार वॉइस ओवर का पंगा होता है, सबको होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे पास यहाँ पे रूम है, मेरे पास बाथरूम है, मैं बाथरूम में नहीं शूट कर सकता क्योंकि यार वहाँ पे आवाज़ गूंजती है, रूम में इसलिए शूट नहीं कर सकता कि वहाँ पे अभी लोग सोए हुए हैं, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है आगे पीछे भी। बट होप आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा जो है आइडिया लग गया होगा कि आपने कैसे वॉइस ओवर करना है। मैं तो आपको एक ही आइडिया दूंगा, कम से कम 10 वीडियोज़ बनाओ, बार बार वॉइस ओवर करो, आपको हर टाइम पे नई तरह की प्रॉब्लम इशू जो होगी फेस होगी, बट उसके बाद जब आप उसको सॉल्व कर लोगे आपको याद हो जाएगा अच्छा ये गलती थी, प्यार से हो जाएगा, समझ रहे ना, फर्स्ट टाइम में कोई भी प्रोफेशनल नहीं होता। सो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपकी फिर भी कोई क्वारी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, मैं हर किसी का जवाब देता हूँ, मेरे पास वो घमंड नहीं है अभी कि यार मेरे 10 मिलियन हो गए मैं तो बात क्यों करूँ। मैं एक चीज़ आज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे 10 मिलियन भी हो गए ना मैं मजाक नहीं करता हूँ, रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे 3-4 लोग रखने पड़े नीचे कमेंट करने के लिए, सैलरी पे मैं रखूँगा ज़रूर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। फॉर वीकली फॉर्मुला ई वीडियोस क्लिक सब्सक्राइब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड।
To watch the next one, click the icon in the center and remember to hit the like button and leave your comments down below.